जनपद रुद्रप्रयाग से बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है। जनपद के गहड़खाल गांव में बीते 28 सितंबर को आंगन में खेल रही 3 साल की मासूम बच्ची को गुलदार उठाकर ले गया था, जिसमें बच्ची की मौत हो गई थी। तब से क्षेत्र में बड़ी दहशत फैली हुई थी, लेकिन अब ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। बता दें कि वन विभाग की टीम ने गुलदार को पकड़ लिया है। वन विभाग की टीम लगातार आठवें दिन से गुलदार पर नजर रखी हुई थी। आपको बता दें कि गुलदार का पहले दिन घटनास्थल से बाल और मल की जांच कराई गई जाएगी, ताकि पता चल सके कि यह वही गुलदार है या फिर दूसरा है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। दिनांक 28 सितंबर को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, जिसमें गुलदार के हमले द्वारा एक छोटी बच्ची की मृत्यु हो गई थी। इसके पश्चात वन विभाग ने वहाँ पे नियंत्रण कक्ष और पिंजरे लगाए गए थे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के परमिशन के उपरांत, और विभिन्न कैमरा ट्रैप्स भी लगाए गए थे। आज सूचना मिली है कि आज सुबह 5 बजे के आसपास ये गुलदार जो है हमारे पिंजरे में आ गया है, जिसके बाद वन विभाग ने उसको सुरक्षित अपनी अभिरक्षा में ले लिया है और इसका पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा इसका परीक्षण कराया जा रहा है, स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है। और इसमें इनके घटनास्थल पे भी कुछ सैंपल्स मिले थे हमें, इसके गुलदार के बाल के और मल के, जिसको WI परीक्षण के लिए भेजा जाएगा, जिससे पुष्टि हो पाए कि गुलदार यही है। उस क्षेत्र में हमारी टीम जो है लगातार निरंतर यही गुलदार है जिसके द्वारा ये हमला किया गया था, और इसमें चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से उचित दिशा निर्देश के लिए पत्रचार किया जा रहा है, और जो भी उनके द्वारा दिशा निर्देश दिए जाएंगे उसके क्रम में आगे हमें कार्रवाई की जाएगी।